अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये एक ऐप है स्कोरपैड के नाम से, इसे डाउनलोड कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, इसमें आप स्कोर कार्ड वगैरह इजीली अपडेट वगैरह कर सकते हैं। ये इसमें आप प्री मैच, मैच डिटेल्स, टीम की डिटेल्स सब कुछ ऐड कर सकते हैं पहले से ही। यहाँ पे आपको सिखाते हैं, ऐड न्यू मैच करेंगे, यहाँ पे आप टूर्नामेंट का नाम लिखते हैं, फ़िलहाल लिख देता हूँ वर्ल्ड कप। यहाँ पे मैच टाइप कर दें, अगर कस्टम करेंगे तो आपके जितने ओवर्स होंगे आप वो कर लें, 5-10, मैं 5 लिख देता हूँ। लोकेशन जो है मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ फ़िलहाल, लेकिन जो भी ग्राउंड की लोकेशन हो। डेट मैच डाल देता हूँ आज की, टीम ए का नाम पाकिस्तान रख देता हूँ, टीम बी का नाम इंडिया रख देते हैं फ़िलहाल, और अपडेट डिटेल्स कर देते हैं इसे। ये हमारे पास डिटेल आ गई टीम पाकिस्तान की। यहाँ पे आप 11 प्लेयर्स के नाम लिख सकते हैं, मैं फ़िलहाल कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे अहमद कर देते हैं ताकि आपको दिखा भी सके, यहाँ पे अहमद कर देता हूँ, यहाँ पे अली कर देता हूँ। जो नेक्स्ट पोर्शन आ गया, आपको बैट्समैन या बॉलर जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। अगर ऑलराउंडर है तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में शो होगा, अगर आप बॉलिंग में कर देते हैं तो वो सिर्फ बॉलिंग में शो होगा। यहाँ पे आपको कैप्टन भी सिलेक्ट करना लाजमी होगा और विकेट कीपर भी सिलेक्ट करना लाजमी होगा। अपडेट डिटेल्स करके इसी तरह टीम इंडिया की भी आप करते हैं, मतलब टीम बी जो भी होगी। मैंने तो फ़िलहाल इंडिया रखी थी तो इसलिए मैं इंडिया बोल रहा हूँ। आप जो भी नाम रखेंगे आप उसका सिलेक्ट करके अपडेट कर दें। इसके बाद आपके पास ये सामने शो हो जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला वर्ल्ड कप जो है हमने नाम रखा था। स्टार्ट मैच, टॉस, डिटेल पूछेगा, कुछ भी जो भी आप करते हैं सिलेक्ट, ओके। उसके बाद पूछेगा बैट्समैन पाकिस्तानी टीम के कौन से आ रहे हैं, क्योंकि टॉस वो जीत के उन्होंने बैटिंग की थी। यहाँ से बॉलर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी बॉलर होगा। यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखे फिलहाल बॉलर्स, यहाँ से ओके कर दें। अब आप स्कोर अपडेट करना, अगर मैं 1 पे क्लिक करके ये टिक पे करूँगा तो 1 रन हो जाएगा। अब देखेंगे कि बैट्समैन भी चेंज हो गया, अली ने स्ट्राइक की थी, अब अहमद पे आ गया ऑटोमेटिकली। अब 6 करूँगा, रन्स, बॉल्स ऑटोमेटिकली, स्ट्राइक रेट वगैरह ऑटोमेटिकली सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। अब जिस पे भी क्लिक करके ओके करेंगे सब कुछ ऑटोमेटिकली ऐड वगैरह हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आउट हो जाता है यहाँ पे तो इस पर आपने आउट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे बोल्ड हुआ है, कोर्ट बिहाइंड हुआ है, LBW जो भी कुछ हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। मैं फ़िलहाल कोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वो हमसे पूछेगा कौन आउट हुआ है, बैट्समैन आउट हुआ है और किसने कैच पकड़ा है और नेक्स्ट बैट्समैन कौन आएगा। हम ओके करके इस पर आउट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बैट्समैन आ जाएगा। इसमें अब आप पूछेगा स्ट्राइकर पर कौन है, न्यू प्लेयर है तो उस पर कर देंगे, अगर अली था तो अली पे कर देंगे। अब ओवर ख़त्म हो गया, वो नेक्स्ट ओवर के पूछेगा बॉलर कौन आ रहा है, यहाँ इसे ओके करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट और भी केसेस हैं, जिस तरह ओवर थ्रो है, अगर कोई ओवर थ्रो का रन हो जाता है तो ओवर थ्रो पे भी क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह ओवर थ्रो का 4 रन हो गए उसको क्लिक करके टिक कर दें। स्पेशल केसेस, अगर कोई बॉलर हर्ट हो जाता है या विकेट कीपिंग वगैरह चेंज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। फिलहाल मैच एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।